कनाडा से आए युवक की भाई समेत मौत। बहनों की शादी की तैयारी करवाने आया था, मानसा से आते वक्त ट्रॉली से टक्कर। पंजाब के लुधियाना में कनाडा से आए युवक और उसके मामा के बेटे की मौत हो गई। मरने वाले युवक की पहचान बलराज सिंह और मनदीप सिंह के रूप में हुई। बलराज करीब 4 साल पहले कनाडा गया था। 13 जनवरी को वह अपनी बहनों की शादी की तैयारी करवाने के लिए वापस आया था। वे अपने किसी दोस्त की शादी से भाई मनदीप सिंह के साथ मानसा से वापस आ रहा था कि रास्ते में खड़ी ट्रॉली के नीचे उसकी स्विफ्ट कार घुस गई। गाड़ी की रफ्तार अधिक थी जिस कारण दोनों युवकों को संभालने का मौका नहीं मिला और दोनों की मौके पर मौत हो गई। शवों को गांव अम्बुबाल में लाया गया जहां 17 जनवरी को अंतिम संस्कार कर दिया गया। इलाके में गंभीर माहौल है। बहनों की शादी बढ़िया तरीके से करेंगे। जानकारी देते हुए मृतक बलराज सिंह के पिता गुरप्रीत सिंह ने बताया कि जब बेटा कनाडा से 4 साल बाद आया तो उन्हें उससे इतनी खास बातचीत करने का समय नहीं मिला। बलराज इतना जरूर कहता था कि बहनों की शादी बढ़िया तरीके से करेंगे, अब आया हूं तो बहनों की शादी करवा कर ही वापस जाऊंगा। वापसी की टिकट नहीं करवाई थी। बलराज ने अपने पिता से कहा था कि इस बार वापसी की टिकट नहीं करवाई है, वह सारी जिम्मेदारी निभाकर ही वापस कनाडा जाएगा। बलराज परिजनों से कहता था कि पहले बहनों की शादी करेंगे, उसके बाद वह खुद की शादी करेगा। बता दें कि बलराज की अपनी एक सगी बहन और दूसरी ताया की बेटी है। दोनों बहनों से लगाव था, वह परिवार का इकलौता बेटा था। मनदीप ने जाना था ऑस्ट्रेलिया। बलराज के मामा के बेटे मनदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, वह भी इस हादसे में मारा गया। मनदीप के पिता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मनदीप उस समय बहुत छोटा था।